हाय दोस्तों, अभी GST R9 का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट ने फॉर्म्स निकाल दिया है, साइट पे अवेलेबल है। तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि GST R9 है क्या, एनुअल रिटर्न कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के फॉर्म्स हैं, 9A 9B 9C, क्या करना होगा हमें, ड्यू डेट कब है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि GST रिटर्न का जो एनुअल रिटर्न है, GST R9, ये चार टाइप्स के हैं। चार टाइप्स के फॉर्म्स आपके सामने अवेलेबल हैं। पहला फॉर्म है GST R9। GST R9 उन लोगों को भरना है जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, यानी जो हर महीने टैक्स पे कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं, उनके लिए है GST R9। उसके बाद आता है GST R9A। GST R9A है उन लोगों के लिए जो कंपोजिशन डीलर हैं, कंपोजिशन डीलर के लिए है GST R9A। दूसरा फॉर्म है GST R9B, सॉरी तीसरा फॉर्म GST R9B। GST R9B जो है वो है ई कॉमर्स वालों के लिए, जो ई कॉमर्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वाले जैसे हैं, ये ई कॉमर्स वाले जो हैं, इन सब के लिए है GST R9B। और GST R9C चौथा और अंतिम फॉर्म है, ये उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर ₹2 करोड़ यानी 2 करोड़ रुपया है, उनके लिए साल का टर्नओवर का मतलब साल का जो है पर एनम 2 करोड़ टर्नओवर है, उनके लिए GST R9C है। अब ये GST R9 भरने का लास्ट डेट क्या है? तो GST R9 भरने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 तक आपको भरना है। तो कब से कब तक का भरना है? तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, यानी जुलाई जुलाई 2017 में GST आया है, तब से लेके मार्च 31 मार्च 2018 तक का, यहाँ तक का आपको 31 दिसंबर 2018 तक फिल करना है GST R9। अब है कि अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं, GST R9 फिल नहीं करते हैं, तब क्या प्रावधान है? गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप GST R9 फिल 31 दिसंबर 2018 तक नहीं करते हैं, देखिए GST जब से आया है और मोदी जी की सरकार जब से आई है, GST की साइट भले सही से नहीं चली हो, लेकिन उसके जिम्मेदार बिजनेसमैन हैं, हम हैं और आप हैं। हमें बेनिफिट मिले या ना मिले, लेकिन उनके तरफ से साइट अगर नहीं चल रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं किया तो अच्छी मोटी खासी रकम आपसे ली जाएगी पेनल्टी के रूप में। तो मोदी जी ने, यानी कि कहा जाए तो जेटली साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जेटली साहब की सरकार ने हमें एक तोहफा दिया है कि अगर आप रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक, GST R9 31 दिसंबर 2018 तक अपलोड नहीं करते हैं GST की साइट पे, तो बहुत सुंदर सा एक ऐसा तोहफा दिए हैं जो हम खुश भी होते हैं और याद, मतलब यादगार तोहफा है। GST के आने से सबसे अच्छा तोहफा यही मिलता है कि डेली कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी के रूप में तोहफा देती है। वो तोहफा क्या है इसमें, ये हम जानते हैं। तोहफा क्या है कि ₹100 प्रतिदिन CGST और ₹100 प्रतिदिन SGST को आपको पेनल्टी देना है, यानी ₹100 CGST, ₹100 SGST, यानी दोनों मिला के हो गए ₹200, यानी ₹200 पर डे आपको पेनल्टी देना है। याद रखिए 31 दिसंबर 2018 तक, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का GST R9 एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है किसी भी कीमत में, नहीं तो ₹200 रोज देने के लिए तैयार रहिए। इसके लिए आप अपना रिकॉन्सिलेशन, जैसे पहले भी बैट में, एक्साइज में, TDS में, अभी भी रिकॉन्सिलेशन हम करते हैं ना, एज पर रिटर्न एज पर बुक। तो जुलाई 2017 से 31 मार्च 18 तक का रिकॉन्सिलेशन वगैरह कर लीजिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको GST R9 में। और अगर कोई डिफरेंस होता है तो पेनल्टी तो वो इंटरेस्ट के साथ जमा कर दीजिए, बेहतर होगा इंटरेस्ट के साथ जमा कर दीजिए, जो भी होता है उसे जमा करके छुट्टी लीजिए। अदरवाइज अभी बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जिस समय असेसमेंट होगा साल 2 साल के बाद, तो
असेसमेंट के टाइम पे हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सा कानून कब आया, और हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी मोटी उस समय। अभी तो लॉ बन रहा है, लॉ अभी तक बन ही रहा है, अभी तो जीएसटी रॉ है, अभी पका नहीं है, कच्चा ही है। उस समय बहुत मोटी पेनल्टी लगेगी, इसलिए जहां आपको 2 रुपया पेनल्टी बनती है, इंटरेस्ट बनता है, वहां 2 के जगह 5 रुपया जमा करिए, लेकिन 0 रखिए अपनी लाइबिलिटी।